कुछ बातें पूछनी है, तो आप बस ऐसा करें कि तवज्जो से लेक्चर सुना करें, और जो हैंडआउट्स हैं उन हैंडआउट्स को आप प्रॉपर पढ़ें। मैंने उसको पढ़ के आसान लैंग्वेज में उन्हें लिखा हुआ है, तो जो बातें मैं आपको क्लास में बताता हूँ आपने उन्हीं को पढ़ना है। अभी हमने जस्ट फर्स्ट 12 पेजेस जो हैं उनको किया है, तो एक दो स्टूडेंट्स ने कहा कि उनकी कल फर्स्ट क्लास थी, तो फर्स्ट क्लास है तो आपको घबराना नहीं है। आपकी जो भी इश्यूज आते हैं वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। मैं वैसे भी जो टॉपिक है वो मैं एक इंडिपेंडेंट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, उसी को हम एंड करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जिस तरीके से हम पहले पढ़ते हैं, जो हमने कल काम किया था मैं उसी स्क्रीन पे आपको लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कल कॉस्ट एस्टिमेशन को स्टार्ट किया था। गौर से सुनिएगा, कॉस्ट फोरकास्ट और कॉस्ट एस्टिमेट मतलब ये बनता है कि आपकी जो कॉस्ट है फ्यूचर में क्या आएगी। अगर एक फैक्ट्री है उसने ऑलरेडी इस साल कुछ प्रोड्यूस किया तो उसके पास एक पास्ट डाटा है, उस पास्ट डेटा को देखते हुए हमारी फ्यूचर में क्या कॉस्ट होगी उसे हम कैस्ट कहते हैं, प्रेडिक्शन और कॉस्ट एस्टिमेशन। हमने तीन मेथड्स को डिस्कस किया था कि तीन मेथड्स हैं जो हमने पढ़ने इस सिलेबस में, हाइलो मेथड, रिग्रेशन एंड स्कैटर्ड ग्राफ। हमने सबसे पहले हाइलो मेथड को पढ़ा कि हाइलो मेथड एक ऐसा मेथड है जिस कंसिडर करते हैं हम रेस्ट ऑफ द डाटा को इग्नोर करते हैं, यानी हम इस एक डाटा की पॉपुलेशन में से सिर्फ उसे देखते हैं जो सबसे हाईएस्ट पे है और दूसरा जो सबसे लोएस्ट पे है, बाकी पॉपुलेशन को हम इग्नोर कर देते हैं। देन सेकेंड स्टेप पे हमने वेरिएबल कॉस्ट फाइंड की बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। थर्ड पे हमने फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड की, फिर हमने एक इलस्ट्रेशन की, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $10 आई, फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 5,000 बनी। हमने उससे स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन बनाया, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। वाई हमने किसे कहा, टोटल सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, ए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एंड एक्स इज द एक्टिविटी लेवल। तो ये हमने फिर उसके बाद 350 यूनिट पे कॉस्ट फाइंड की, 600 पे मैंने कहा था कि आपने खुद से कर लेनी है। एक एक्टिविटी 7 मैंने आपको कहा था कि आपने इसे करना है, इसका आंसर होपफुली आ गया होगा। मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनका आंसर नहीं आया, तो मैं गाइड कर देता हूँ जी किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। हमने सबसे पहले हाईएस्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी किसे कहते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इस डाटा में दो चीजें मौजूद हैं, एक आउटपुट एक कॉस्ट। तो आउटपुट जो है वो हाईएस्ट 50 है, लोएस्ट 26 है, तो हमने 26 को आइडेंटिफाई किया हाईएस्ट, और हमने इनके सामने वाली रिस्पेक्टिव कॉस्ट को देख लिया। हमने हाई कॉस्ट नहीं देखनी, हमने हाई एक्टिविटी देखनी है, उसके सामने वाली कॉस्ट देख लेनी है वो जो भी है। इसी तरह हमने लो एक्टिविटी देखनी है और उसके
सामने वाली कॉस्ट एंड लोअर पॉइंट स्टेप नेट और उसका फॉर्मूला में जो आपकी कॉस्ट है 7310 माइनस लो लेवल पे जो कॉस्ट है 6566 डिवाइडेड बाय हाई लेवल माइनस लो लेवल। अब आप इसे सॉल्व कर लें तो मैंने जो आंसर लिखा हुआ है वो 31 है। क्वेश्चन आंसर में बताएं कि यस इज इट 31 जी 31 का कमेंट आ गया जी 31 ही है कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट इज स्टेप टू हमने किया। तो जो लोग कल नहीं थे वो आज नोट कर लें कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने कैसे फाइंड करनी है कॉस्ट एट हाई लेवल माइनस कॉस्ट एट लो लेवल डिवाइडेड बाय हाई लेवल माइनस लो लेवल। तो इनको सॉल्व करके हमने जो आंसर निकाला वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसे हम बी से शो कर सकते हैं। और उसके बाद अगला स्टेप होता है फिक्स्ड कॉस्ट को फाइंड करना वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वेरिएबल कॉस्ट 31 एक्स एक्स हम अब हाई और लो में से अपनी मर्जी से किसी भी चीज को ले सकते हैं। अगर हम हाई लिखेंगे तो जो वाई होगा वो हाई लेवल की कॉस्ट है यानी 7310। अगर हम इसको 26 लिखते एक्स की जगह पे हमने क्या लिखा जी हम यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करनी है ए
बी 31 एक्स एक्टिविटी लेवल हाई और लो में से हमने एक एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट कर लिया और यहां से हम फिक्स्ड कॉस्ट को सॉल्व करें तो वो आंसर है 5760। आप चेक करें क्या ये आंसर आता है और मुझे बताएं। जी ठीक है, ये आंसर आ गया। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना भी सीख ली दिस वन, और फिक्स्ड कॉस्ट भी हमने कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने बनानी होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वेशन, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। a इज 5760 प्लस b इज 31 एंड x विल बी एनी एक्टिविटी लेवल। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फंक्शन हमने बना लिया, अब फ्यूचर में हम जस्ट x की वैल्यू को चेंज करेंगे। यहां हम जो वैल्यू लिखेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारी टोटल कॉस्ट का आंसर हमें मिलता जाएगा। तो इसीलिए इसको कॉस्ट फोरकास्ट का नाम दिया था। तो ये सिंपल हाई लो मेथड हमने पढ़ लिया जिसके अंदर किसी भी किस्म की स्टेप कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं थी, ना स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट ना स्टेप वेरिएबल कॉस्ट। अब हमने कल की क्लास में आखिरी बात ये पढ़ी थी कि अगर हाई लो मेथड में आइलो मेथड में स्टेप का इंपैक्ट आ जाए, तो इस क्वेश्चन में आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन आई थी, मैं इसको आज आपके सामने दोबारा समझाता हूं। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने क्वेश्चन के तरीके को नहीं रटना कि फलां क्वेश्चन में इस तरीके से किया था तो हमेशा ऐसा ही होगा। आज एक स्टूडेंट ने एक मिलता जुलता सवाल मुझे सेंड किया और कहा कि सर उस सवाल में तो आपने ऐसे किया था तो इस सवाल में ये ऐसे नहीं कर रहा। कभी भी आईसीएमए में आपने क्वेश्चन के हिसाब से अपना कॉन्सेप्ट नहीं बनाना कि फलां सवाल में ऐसा हुआ था तो मुझे ऐसे ही करना है इसको। हमेशा स्नैरियो को अंडरस्टैंड करें और उस स्नैरियो के मुताबिक अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। अब आज मैं आपको ये स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट वाली चीज बिल्कुल स्क्रैच से आपके सामने देख ले, मैंने हर चीज पुरानी मिटा दी है। तो इसलिए जिनको कोई कंफ्यूजन रह गई थी वो आज उसको लर्न करें। एक्टिविटी 8, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। An organization has the following total cost at three activity levels: 4,000, 6,000, 7,500. और तीनों लेवल की कॉस्ट उनके सामने लिख दी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट, यानी वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है विद इन एक्टिविटी रेंज। यानी ये जो रेंज आपके सामने लिखी है 4000 से लेके 7500 तक, इस रेंज में वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है। एंड देयर इज अ स्टेप अप ऑफ 10% इन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट व्हेन एक्टिविटी लेवल एक्सीड्स 5500 यूनिट्स। क्वेश्चन ये बता रहा है कि आपकी फिक्स्ड कॉस्ट में 10% का इंक्रीज है। कब बढ़ेगी वो 10%?
जब आपका एक्टिविटी लेवल 5500 यूनिट से आगे जाएगा, यानी 5501 होगा, तो फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ जाएगी, और 5500 या 5500 से नीचे जो कॉस्ट होगी वो वही रहेगी जो है। अब हमसे उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, हमने टोटल कॉस्ट बतानी है एट 5000 यूनिट्स, यानी जब हम 5000 यूनिट्स बनाएंगे तो 5000 यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट कितनी आएगी। अब हमने कौन सा मेथड यूज करना है फोरकास्टिंग के लिए, हमें पता है कि हमने एक तरीका पढ़ा हाई लो मेथड, और हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते होते हैं इस इक्वेशन में, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अगर हमारे पास a हो, b हो और x हो, हम ये y फाइंड कर सकते हैं। x उसने बता दिया, ये जो 5000 है दिस इज x, यानी 5000 यूनिट्स पे हमें टोटल कॉस्ट बतानी है। अब ये बताने के लिए हमें उससे पहले दो चीजें चाहिए, एक वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें जो मेथड पढ़ाया गया अभी तक वो है हाई लो मेथड। हाई लो मेथड कहता है कि डाटा में से एक लोअर पॉइंट ले लें तो ये लोअर हो गया, एक हाईएस्ट ले लें तो ये हाई हो गया, और ऊपर जिस तरह सवाल हल किया है कि वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो, फिक्स्ड कॉस्ट निकाल लो, आंसर आ जाएगा और उसे यूज कर लेंगे। अब पिछली एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फर्क क्या है, फर्क है ये स्टेप कॉस्ट का, यानी 10% कॉस्ट बढ़ेगी। कौन सी कॉस्ट बढ़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट 10% बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, जब 5500 से एक्सीड करेंगे। अब बात गौर से सुनिएगा, ये जो 4000 यूनिट्स हैं ये वो हैं जो 5500 से छोटे हैं, 5500 से नीचे हैं, और 7500 यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो 5500 से बड़े। तो ये कंपैरिजन लाइक विद लाइक नहीं है, मुझे या तो दोनों वो लेवल लेने हैं जो 5500 से नीचे हो, या दोनों वो लेवल लेने हैं जो 5500 से ऊपर हो। क्यों, क्योंकि दोनों में फर्क है। अगर 5500 से नीचे वाला लेवल है तो उसके अंदर स्टेप का इंपैक्ट शामिल नहीं है, और अगर ऊपर वाला लेवल है तो उसके अंदर स्टेप का इंपैक्ट शामिल है। तो मुझे दोनों को सेम बनाना है लाइक विद लाइक, यानी मुझे हाई पॉइंट अगर इंक्लूसिव ऑफ स्टेप है तो मुझे लो पॉइंट भी वो लेना है जिसके अंदर स्टेप शामिल हो, और अगर मेरा लो पॉइंट ऐसा है जिसके अंदर स्टेप का इंपैक्ट शामिल नहीं है तो मुझे हाई पॉइंट भी वो लेना है जिसके अंदर स्टेप का इंपैक्ट शामिल ना हो। अब उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि हम वो स्टेप वाली रकम इसमें माइनस कर दें, लेकिन मैं दोनों वो लेवल ले लें जिसके अंदर स्टेप था, तो दोनों वो लेवल बनेंगे 6000 और 7500। तो ये हमारा लो लेवल हो गया, ये हमारा हाई लेवल हो गया। अब हम 4000 को नहीं कंसीडर कर रहे, और रीजन आ चुका हूं क्यों नहीं कर रहे। अब सबसे पहला काम 1800 यूनिट इज, का आंसर मुझे बताएं।
3.2, यानी एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 3.2 है। अगला काम हमने करना होता है फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड करना। फिक्स्ड कॉस्ट को ए कहते हैं, बी इज 3.2। अब एक्स हाई लो में से एक पॉइंट ले लेना है, 7500। अगर मैंने 7500 लिया तो टोटल कॉस्ट 54,800 होगी। तो इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो आंसर निकला वो है रुपीज 30,800। ओके, अब ये जो फिक्स्ड कॉस्ट निकली है ये वो वाली फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्टेप के बाद की है। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये वो फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्टेप के बाद की है। क्यों? क्योंकि मैंने हाई और लो लेवल वो सिलेक्ट किए जिन जो स्टेप के बाद के थे। 6000 5500 से बड़ा है, 7500 भी 5500 से बड़ा है, तो मैंने लेवल ही वो सिलेक्ट किए थे जिनके अंदर स्टेप शामिल था। तो इसका ये जो 30,800, क्या हमें पांच, हमने जिस दिन पढ़ा था हमने कहा था कि जो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट के। प्लस अमाउंट ऑफ स्टेप के कितने से बढ़ेगी। अब ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट है नहीं, हमने उसे फर्ज कर लिया x, कुछ और भी कह सकते हैं ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट को, हम a भी लिख सकते हैं, जो हम एब्रीवेशन देना चाहें हम दे सकते हैं। और हमने कहा कि ये जो 30,800 है ये इंक्लूसिव ऑफ स्टेप है, तो हमने इसे स्टेप के बराबर लिख दिया। ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट को हमने x कहा। अब अगली बात रहेगी अमाउंट ऑफ स्टेप, कि कितने पैसों से बढ़ेगी, कितने रुपए की इंक्रीज आएगी जब 5500 से आगे जाएंगे। तो उसने क्वेश्चन के अंदर वो अमाउंट नहीं दी, उसने वो परसेंटेज दी हुई है 10%। अब सवाल ये पैदा होता है ये 10% किसका होगा। क्वेश्चन में लिखा है कि 10% इंक्रीज करेगी। अब हमें ये जानना है ये 10% किस चीज का है। हमेशा जब एक बात की जाती है कि प्राइस इतनी थी 10% बढ़ गई, इसका मतलब है जो पहले थी उसका 10% बढ़ा। तो पहले क्या थी, वो ओरिजिनल अमाउंट थी x। तो इट मींस दिस इज 10% ऑफ x, यानी जो भी x होगा उसका 10% स्टेप है। जो भी ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट होगी उसका 10% स्टेप है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब इस सॉल्यूशन पे मुझे काफी ज्यादा मैसेजेस आए कि सर समझ नहीं आई, बेसिक मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, ये वही है जो ग्रेड 5 तक आप पढ़ते रहे हैं। तो मैं सपोज करता हूं कि आप सारे जो है वो पांचवीं पास से तेज हैं, यू आर ऑल स्मार्टर देन ग्रेड 5। लेकिन फिर भी इस सवाल को एक्सप्लेन कर दूंगा इन डेप्थ। थर्टी थाउजेंड एट
100 इज इक्वल टू एक्स प्लस, खत्म करने के लिए बना जा गया कि परसेंटेज का साइन खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड करना होता है। अब मैं एक्स को कॉमन ले लेता हूं। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर एक चीज आ रही हो तो उसे कॉमन ले लें, तो ये बना 1 + 0.10 तो ये बन गया जी 1.10 30,800 डिवाइडेड बाय 1.10 विल बी इक्वल टू एक्स। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू रुपीज, मुझे ये इसका आंसर बता दें, आई थिंक 28,000। अब हमने एक्स किसको कहा था? हमने एक्स कहा था ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट को। मैं यहां लिख भी देता हूं कि ये एक्स क्या है, ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ये वो वाली फिक्स्ड कॉस्ट है जो स्टेप से पहले थी और स्टेप के बाद 10% का इजाफा हुआ। तो मैं आपको यहां पे रिकंसाइल करा देता हूं, वेरिफिकेशन करा देता हूं। स्टेप कॉस्ट किसके बराबर होती है, ओरिजिनल के 28,000 प्लस ओरिजिनल का 10%, 10% ऑफ 28,000, 28,000 प्लस 2800, आंसर विल बी 30,800। तो ये देखेंगे वही 30,800, ये वो कॉस्ट है जो स्टेप के बाद थी और स्टेप के बगैर जो है वो 28,000 है, यानी जो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट थी वो 28,000 है। अब ये वाली फिक्स्ड कॉस्ट कब यूज करनी है, जब हमारी प्रोडक्शन 5500 से कम है, और अगर 5500 से ज्यादा है तो फिक्स्ड कॉस्ट 30,800 होगी। तो हमने यहां पे इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज लिखनी है वो हम लिखेंगे, क्योंकि ये 5000 से 5500 से कम है 5000, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। x की जगह पे उसने 5000 दिया हुआ, तो इसको सॉल्व कर लें, आई थिंक आंसर 44,000 है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था। मैं आपके सामने इसकी सारी वर्किंग कर देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट में कवर कर लें और इसको बाद में नोट कर लीजिएगा इन वन स्क्रीन। ये हमने इसकी टोटल वर्किंग जो है वो ये की है। और फिर हमने इन फिगर्स को यूज किया क्वेश्चन के मुताबिक, तो वो ये आंसर 44,000 आया। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कल काम किया था, जो कन्फ्यूजन छोटी छोटी आपके जहन में आ रही होंगी या आ रही थी, वो आपकी आज कवर हो गई है। तो अब हम इससे ऑनवर्ड एक और चीज लर्न करते हैं आज। ये स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि चैट बॉक्स सबको शो नहीं है, अगर नहीं है तो पोस्ट से गुजारिश है कि उसे शो कर दें स्टूडेंट्स को चैट बॉक्स। जी अच्छा बच्चों, अब आपको मैं आज एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। जिस तरह इस सवाल के अंदर लिखा हुआ था कि वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाए, और हमने इसको अपने कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा भी था स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी एक सर्टेन लेवल के बाद चेंज हो जाती है। तो अब हम वेरिएबल कॉस्ट की चेंजेस को हाइलो मेथड में किस तरह अकाउंट फॉर करेंगे वो पढ़ने जा रहे हैं। ये जो सारा थ्योरेटिकल एरिया आपको नजर आ रहा है, ये आपको सवाल हल करने का तरीका बताया हुआ है कि क्यों करेंगे, किस तरह करेंगे।
तो जो लोग कहते हैं ना कि जी वो मेरी क्लास रह गई थी, तो अगर वो इन हैंडआउट्स को ट्रांसलेट कर लें, इनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, तो सारी चीजें इनके अंदर मौजूद है। लेकिन अब मैं ये तरीका यहाँ से रीडिंग नहीं करूंगा, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके दिखाता हूं। एक्टिविटी 9, बड़े ध्यान से सुनना है आपने। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट इन 2008। आउटपुट यानी यूनिट्स, एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट 200, 300, 400। अब क्वेश्चन में आगे क्या बताया है, कहता है फॉर आउटपुट वॉल्यूम अबव 350 द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फॉल्स बाय 10%। होप सो कि समझ आ गया होगा कि कंडीशन क्या है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आपकी प्रोडक्शन 350 यूनिट से ज्यादा हुई तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम होगी। अगर हमने एक पीरियड में 350 यूनिट से ज्यादा की प्रोडक्शन की तो वेरिएबल कॉस्ट 10% कम हो जाएगी। अब सवाल आता है जेहन में कि जैसे अगर एक कंपनी 360 की प्रोडक्शन करे तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पूरे के पूरे 360 यूनिट की कम होगी या सिर्फ 10 जो ऊपर वाले हैं उनकी कम होगी? तो उस कंफ्यूजन को आगे क्लियर कर दिया कि वो जो रिडक्शन है, नोट दिस फॉल अप्लाइज टू ऑल यूनिट्स नॉट जस्ट द एक्सेस ऑफ अबव 350। तो इसका मतलब है कि अगर वो लिमिट करता कि 350 से ऊपर वालों की कम होनी है तो क्वेश्चन क्लियर करता। तो जो मैं आपको कल बात कर रहा था ना कि आपने क्वेश्चन में वॉन्डरिंग नहीं करनी कि अगर ऐसा हो भी, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, तो इन सोचों में नहीं पड़ना। तो आपने यहां पे ये देखा कि अगर 350 यूनिट से ज्यादा प्रोडक्शन हुई तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी, बढ़ भी सकती थी, लेकिन उसने कहा कम होगी तो हमने कम करना है, जो उसने कहा है हमने वो करना है। और वो जो रिडक्शन है वो सारे के सारे यूनिट्स पे एप्लीकेबल होगी, ना कि सिर्फ 350 से ऑनवर्ड। हमने करना क्या है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 350 यूनिट्स, हम सॉरी 450। तो 450 की कॉस्ट हमने बतानी है। अब 450 की कॉस्ट पे जाने से पहले हमें ये तो पता निकल सकते। जब ए और बी आ जाएगा तो एक्स उसने खुद ही बता दिया 450, तो हम वाई निकाल लेंगे। अब इसके जो मेथड को हमने पढ़ा है वो हाई लो मेथड है। हाई लो मेथड ये होता है कि लो पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट आपसे छोटा ले लो और एक हाई ले लो, वो 400 हो गया। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि कंपैरिजन हमेशा जी, हम बात कर रहे थे कि हाई लो मेथड से
हमने हाई और लो लेवल को सिलेक्ट करना है। अब ये जो लो लेवल है वो 200 है, हाई लेवल 400 है, लेकिन जो 400 है वो अबव 350 है। इसका मतलब है उसके अंदर स्टेप वेरिएबल कॉस्ट का इंपैक्ट शामिल है। तो मुझे लाइक विद लाइक के लिए जो हाई लेवल लेना पड़ेगा वो 300 कंसीडर करना पड़ेगा ताकि दोनों चीजें सेम हो जाएं। तो मैं 400 को कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि 400 मेरे कंपैरिजन में लाइक विद लाइक नहीं है। तो जब हमें ये चीज पता चल गई तो हमने सबसे पहला काम करना होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करनी है, उसे बी कहते हैं। तो हाई लेवल पे कॉस्ट 8000 है, लो लेवल पे 7000 है, हाई लेवल 300, लो लेवल 200। 1000 डिवाइडेड बाय 100, बी इज इक्वल टू ₹10 पर यूनिट, ये बी का आंसर आ गया। जब आपके पास बी का आंसर मौजूद है अब आप ए फाइंड कर सकते हैं। अब एक्स क्या लेना है इस लो और हाई में से कोई भी, तो हाई लेवल ले लेता हूं 300, और 300 पे कॉस्ट कितनी है टोटल 8000। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहां से आपको टोटल आंसर ए ₹5000 मिल गया। अब बात कहां से शुरू हुई थी कि अगर हमें ए और बी एक्स पता हो तो हम वाई निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 450 यूनिट्स की कॉस्ट बताएं। ए हमने कहा 5000। अब इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, एक्स 400 है, बी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज 10 पर यूनिट, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगी बाय 10%। कब? जब 350 से ज्यादा बनाएंगे। तो हम सबको पता है कि 400 जो है वो 350 से बड़ी फिगर है। तो इसका मतलब है जब 400 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी तो ये 10 नहीं रहेगा, ये 10% कम हो जाना है। इसका मतलब है कि 90% होगा। जिस तरह सेल में 10% ऑफ का क्या मतलब होता है कि आपने 90% पे करना है, इसी तरह कॉस्ट में 10% डिडक्शन का मतलब है कॉस्ट विल बी 90%। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 5000 प्लस 400 इंटू 9, 5000 प्लस 3600, आंसर विल बी 8600। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 450 यूनिट्स, आई थिंक 400 था या 450, रिक्वायर्ड जो है वो 450 है, तो 450 से मल्टीप्लाई करना है जी। तो जब हम 450 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 को तो फिर इसका आंसर क्या आता है, फोर जीरो फाइव जीरो, और जब हम इसको 5000 को ऐड करेंगे दैट विल बी 9050। तो बच्चों इस तरीके से आपने स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट करना है। ये आपके सामने मैंने स्क्रीन कर दी है फुल सॉल्यूशन इसका, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लीजिएगा। कुछ लोग तो साथ साथ ही कर रहे होंगे, उनको स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है जी। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, अगर किसी को कोई इशू हुआ तो वो अभी क्लियर हो जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन थी कि व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस 350 वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स बाय 10%। तो हाई लो मेथड को यूज करते हुए हमने लो लेवल हाई लेवल को देखना था, हमने वो वाला लो और हाई लिया जो लाइक विद लाइक था, यानी
तो हमने वहां से वेरिएबल कॉस्ट निकाली ओरिजिनल वाली 10, फिर हमने उसे यूज किया फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड की तो वो हो गई 5000, और फिर हमने इन दोनों फिगर्स को यूज किया फॉर 450 यूनिट्स। फिक्स्ड कॉस्ट में इस सवाल में कोई चेंज नहीं था, इसलिए उसे 5000 ही लिया गया। हाँ, 450 350 से बड़ा है तो 10% कमी होनी है, तो 10% रिडक्शन का मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसका 90% रह जाएगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट 10 थी, उसका 10% कम किया वो 1 बना, या 90% डायरेक्टली ले लिया तो वो 9 बन गया। तो ये 9 आ गया, उसको 450 से मल्टीप्लाई किया, हमारी ये टोटल कॉस्ट बन गई। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। मैं एक नजर क्वेश्चंस को देख लेता हूं। जी, ऑल ओके। एक्टिविटी 10, ये हमारी आज की आखिरी एक्टिविटी होगी। इसमें देखते हैं कि क्या टेक्निक यूज की है। टोटल कॉस्ट इंकर्ड इन 20x3 एट वेरियस आउटपुट लेवल इन अ फैक्ट्री हैज बीन मेजर्ड एज फॉलोज। ये क्वेश्चन का डाटा रिपीट है, ये डाटा है। अच्छा, अब कंडीशन क्या है? व्हेन आउटपुट इज 80 यूनिट्स और मोर एंड अदर फैक्ट्री यूनिट मस्ट बी रेंटेड एंड फिक्स्ड कॉस्ट देयरफॉर इंक्रीज बाय 100%। यानी जब 80 यूनिट्स या इससे ज्यादा पे हम होंगे तो हमें एक नई बिल्डिंग रेंट पे लेनी है, जिसके नतीजे में होगा क्या कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो 100% बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज फोरकास्टेड टू राइज बाय 10% इन 2004। अभी ये डाटा था 2003 का, 20x3 का डाटा था, 20x4 इससे अगला साल बनेगा, 10% इजाफा होगा उसमें। किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में। हमने करना क्या है? कैलकुलेट द एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इन 2004। ये भी कह सकता था इन 2003, फिर आंसर किस तरह निकलेगा वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अभी उसने ये कहा है कि आपने बताना है कि अगर मैं 100 यूनिट बनाऊं, और बनाऊं भी कब, 2004 में, तो कितनी कॉस्ट होगी। अब सबसे पहले हमें अगेन उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। किसको? y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए हो, बी हो, एक्स हो, तो y निकल सकता। X उसने बता दिया कि मुझे 100 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए। इसका मतलब है इस दिए हुए डाटा में से मैं A निकाल लूं और इसमें से B निकाल लूं। अब इसके अंदर भी स्टेप का इंपैक्ट शामिल है, लेकिन स्टेप होना कब है? 80 और अबव से। तो ये जो जितना डाटा दिया हुआ है ये लेस देन 80 है, तो इसका मतलब है ये सेम है डाटा। इसमें वो मुझे लाइक विद लाइक वाली कंडीशन नहीं देखनी, ये सेम है, सारा कुछ एक जैसा है। तो ये तो पुराना सवाल ही हो गया। 26 लो लेवल है, 50 हाई लेवल है, ये इसकी कॉस्ट है और ये इसकी कॉस्ट है। हमने बी का आंसर 31 निकाला था, आज किया है ये सवाल क्लास में, और हमने ए का आंसर 5760 फाइंड आउट किया था, तो ये वही फिगर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुझे सिर्फ इस ये नीचे वाली जो कंडीशन है ना, इस कंडीशन को अप्लाई करना है इस डाटा पे। कंडीशन ये है कि 80 यूनिट से जब हम आगे जाएंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट डबल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 5760 है, इसको डबल कर दें,
100% इंक्रीज का मतलब होता है डबल हो गई, यानी जितनी पहले कॉस्ट थी उसका 100% और ऐड हो गया, तो डबल हो गया आसान लफ्जों में, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया मैंने। अच्छा, अब ये आंसर 100 यूनिट की कॉस्ट, अब बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 100 यूनिट की जो कॉस्ट है वो मुझे किस साल के लिए फाइंड करनी है, 2003 के लिए या 4 के लिए? रिक्वायर्ड है 4 के लिए। अब उसने ऊपर बताया कि इन 2004 वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज राइज बाय 10%, इसका मतलब है वो जो 31 था वो 31 नहीं रहेगा, वो 10% बढ़ेगा, तो मुझे उसकी कैलकुलेशन 10% बढ़ा के करनी है। तो जो 31 है इसने 10% बढ़ जाना है, इसका मतलब है पहले अगर 100 रुपया था तो अब 110 हो जाएगा, तो परसेंटेज में बात करें तो पहले 100% थी, अब 110% हो गई। और दूसरा तरीका यह है कि 31 का 10% ले लें जो कि 3.1 बनेगा, वो इसमें ऐड कर दें तो भी एक ही बात है, जो आंसर आएगा उसे आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब जरा देखें कि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 5760 इंटू 2 किया तो वो बना 11,520, और जब आपने 31 को 110% किया तो वो बना 34.1, जब 34.1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो 3410 हो जाएगा, और उसमें आप 11,520 को ऐड कर दें तो आपका जो आंसर बना वो बन गया जी 14,930। सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स इन 2004। तो ये सारे आंसर मैंने मेंशन भी किए थे, तो आप देख लें कि हमारे आंसर इसके साथ टैली हैं। मैं रिपीट करता हूं, हमें इस क्वेश्चन में 100 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करनी थी इन 2004, तो हमें डाटा दिया हुआ था 2003 का, हमने 2003 के डाटा को हाइलो मेथड यूज करके वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट फाइंड की, जो कि हमने आज क्लास के स्टार्ट पे की थी पिछली एक्टिविटी में, एक्टिविटी 7 में, और उन पे हमने आज एक जो कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि जब आपकी आउटपुट 80 से बढ़ती है तो एक नई फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ जाती है, जिसके नतीजे में फिक्स्ड कॉस्ट 100% बढ़ जाती है, तो वो डबल हो गई, तो वो 11,520 हो गई। और जब 2004 होगा 2004, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उतनी नहीं रहेगी, दैट विल राइज बाय 10%, तो हमने उसे 10% बढ़ाया, वो 110 हो गई। तो सीधा तरीका ये भी हो सकता है कि 31 का 10% लें जो कि 3.1 बनेगा, उसे 31 में ऐड करें तो 34.1 इनटू 100 किया, जो कि एक्टिविटी लेवल जिस पे आंसर निकालना था। अब एग्जामिनर ये भी कर सकते हैं कि वो आपको कहे कि 100 यूनिट की कॉस्ट 2003 की बताएं, बात पे कीजिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100,000 यूनिट्स इन 2003। अब जरा सोचें फिर क्या करना था, हमने 100 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड करनी है बट इन 2003, तो 100 पे फिक्स्ड कॉस्ट तो डबल होनी होनी है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हम वही लेंगे 11,520, वेरिएबल कॉस्ट हम 31 ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जो 10% बनना था ना वो 2004 में बढ़ना था, 3 में नहीं बढ़ना था। तो बेटा इस तरह के ट्रिक्स एग्जाम में यूज होते हैं, आपने डाटा को सिनेरियो को दिया अंडरस्टैंड करने और फिर उसको अप्लाई करने, कि अभी भी किसी पुराने सवाल से लिंक नहीं करना,
क्वेश्चन में ऐसे किया था तो मुझे ये वाला सवाल भी ऐसे ही करना, नो नॉट एट ऑल। आपने हमेशा क्वेश्चन के रहते हुए पिछले सारे सवालों को उसको जेन में निकाल देना है, कॉन्सेप्ट पता हो उनको अप्लाई करना है जी। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर पूछे आंसर कर। जी क्वेश्चन मैंने देखने नहीं है, कोई सवाल नहीं है इस चीज से रिलेटेड। आज हमने क्या सीखा कि स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट को फोरकास्टिंग में किस तरह काउंट फॉर करना है। हमने जो एक्टिविटीज एक्टिविटी 7, 8, 9, 10 जी स्टूडेंट्स, मैं ये कह रहा था कि आज हमने जो कुछ सीखा है वो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट और स्टेप वेरिएबल कॉस्ट की इनकॉर्पोरेशन है फोरकास्टिंग में। आपने एक्टिविटी 7, 8, 9, 10 ये चारों एक्टिविटीज जो हैं वो आपने खुद से सॉल्व करनी है। अगर ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए तो फिर इंशाल्लाह कल हम आगे कुछ और पढ़ेंगे। अभी हमने इनके MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो MCQs भी मैंने आपको गूगल क्लासरूम में ACCA F2 की कैपलान और BPP दोनों की टेक्स्ट बुक और VN किट्स वहां पे मैंने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड हो जाता है। तो किट से हमने MCQs की प्रैक्टिस किया करनी है। मैं आपको स्क्रीन पे तो शो कराया ही करूँगा, आपके पास भी वो मौजूद होनी चाहिए। तो वो किट्स और बुक्स जो है वो आप वहां से डाउनलोड कर लें। अगर आप किताब पढ़ना चाहें, ACCA स्ट्रीम में दो किताबें फेमस हैं, एक कैपलान और एक BPP, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने बुक पढ़नी है मेरे हैंडआउट्स के अलावा साथ में बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप कैपलान की बुक पढ़ें। और जो रिवीजन किट है वो रिवीजन किट हमने दोनों करनी है और आपने भी दोनों करनी है।
बीपीपी की रिवीजन किट भी हम करेंगे, कैपलान की भी। तो रिवीजन किट्स दोनों और बुक्स भी दोनों अपलोड कर दिए, लेकिन आपने एटलीस्ट एक बुक को जरूर पढ़ना है। उसमें हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर किया है, आप जब उसे गो थ्रू करेंगे तो वो मोर और लेस इसी तरह की एग्जाम्पल्स है, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं। तो इतना काम आपने करना है, कल इंशाल्लाह फिर आगे स्टार्ट करते हैं। इसमें बाकी जो बातें रह गई हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सर ये जो स्टूडेंट्स हैंड रेज करते हैं, इनको वॉइस की ऑप्शन देते हैं। सर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया सर। जी जी ठीक है ठीक है, ऐसा मीटिंग एंड कर दूं।